हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट यूएई वीज़ा को लेकर आ रहा है, जो मैं चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू आप सबके साथ शेयर करूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा, ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, रोज़ाना जो है यूएई वीज़ा से रिलेटेड अपडेट देने का मतलब यही होता है कि कब वीज़ा आएगा, कब नहीं आएगा, क्या होगा, कब बंद कर दिया जाएगा या बंद है भी कि नहीं है। सारी चीज़ें जो है ना, अभी बहुत अनसर्टेनिटी चल रही है यूएई के अंदर, स्पेशली वर्क वीज़ा। विजिट वीज़ा की बात अलग है, उसको अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बहुत लोग कमेंट करते हैं कि वर्क वीज़ा ऐसा क्या हो रहा है कि हर दिन नया नया अपडेट आ रहा है। देखिए, नया अपडेट हर दिन नहीं आ रहा है, लेकिन जो वीज़ा अप्लाई होते हैं, कभी वीज़ा आते हैं, कभी नहीं आते, कभी रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है या फिर कभी आने लगते हैं वीज़ा, तो इसके हर दिन मैं आप लोगों के लिए अपडेट्स लेके आती हूँ, पूछती हूँ, जानती हूँ कि क्या वीज़ा आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या नहीं, ताकि आप लोगों तक इसकी जो सही इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचा सकूँ। तो आज जो बात करेंगे कि जैसे कि आप सबको पता था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो वीज़ा है वो अनस्किल्ड कैटेगरी का तो बंद है, ये मैंने पहले ही बताया था, यानी कि नहीं आ रहे हैं वीज़ा। सीधी बात ये है, स्किल्ड कैटेगरीज के वीज़ा आ रहे थे, लेकिन पिछले दो दिनों से अगर बात करें, आज है सैटरडे, तो थर्सडे को और फ्राइडे को स्किल्ड कैटेगरी के वीज़ा भी नहीं आए हैं। बहुत सारे वीज़ा को रिजेक्ट किया गया है और बहुत सारे स्टिल पेंडिंग दिखा रहा है, शो कर रहा है। अप्लाई हुआ था, पहले ही अप्लाई किया गया था उसको, लेकिन अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन दो दिन से, तीन दिन से आप बोल सकते हैं, आज सैटरडे का लगभग मैं ये वीडियो जब बना रही हूँ उस टाइम तक का कोई भी एक भी वीज़ा नहीं आया है। ये मैं बात कर रही हूँ बहुत अच्छी जो कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज, वहाँ से मैं बात कर रही हूँ, जो लोग रेगुलर वे में रेगुलर वीज़ा को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब बोल सकते हैं कि स्किल्ड कैटेगरी का भी वीज़ा इस समय पर नहीं आ रहा है। अगर आपकी कंपनी ने आपका वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और आप पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, स्किल्ड कैटेगरी के हैं, तो वीज़ा में भी आपका डिले हो सकता है या रिजेक्शन का जो मैसेज है वो आपके एम्प्लॉयर तक पहुंच गया होगा। आप लोग एक बार खबर ले सकते हैं कि क्या आपका वीज़ा जो है उसको रिजेक्ट किया गया है या स्टिल अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। अगर अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो मे भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये अभी दो तीन दिन का अपडेट है कि स्किल्ड कैटेगरीज के भी वीज़ा आपके नहीं आ रहे हैं अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश के हैं तो वीज़ा को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। अनस्किल्ड की तो थी, लेकिन स्किल्ड कैटेगरी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई है। कब सॉल्व होता है ज़रूर से मैं अपडेट करूँगी आप सबके साथ, और आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।